आज के इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं अडानी विल्मार स्टॉक के बारे में और इस स्टॉक के टेक्निकल ट्रेंड्स देखेंगे। तो इस समय एक रिवर्सल एक्सपेक्ट तो किया जा सकता है, लेकिन अगेन मैं रिपीट करूंगा, शॉर्ट टर्म ट्रेडर इग्नोर करें। अडानी के सबसे जो कमज़ोर शेयर है वो इस समय अडानी विल्मार ही है। लंबे समय के निवेशक के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर इस स्टॉक में फंस सकते हैं। ये स्टॉक कंसोलिडेट हो सकता है कि एक नेक्स्ट 1-2 मंथ के लिए होते दिख सकता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से एक स्टॉक सजेस्ट करूंगा, साथ में इसके एनालिसिस को भी लेंगे। तो एपिसोड को आगे बढ़ने से पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करके डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन कर लेंगे। इंडिविजुअल इसके न्यूज़ देखेंगे तो कुछ भी न्यूज़ नहीं दिख रहा है। यहाँ देखें तो इंडिविजुअली कुछ भी न्यूज़ नहीं है, हालांकि ग्रुप को लेकर के मल्टीपल न्यूज़ दिख रहे हैं, जिसके कारण हमने देखा कि इंटरप्राइजेस, पावर, ट्रांसमिशन, ग्रीन, पोर्ट जैसे स्टॉक्स में काफ़ी शानदार तेजी दिखे भी। इस स्टॉक में इसीलिए नहीं दिखा क्योंकि इसके क्वार्टरली नंबर्स ही फेवरेबल नहीं रहे हैं, हालांकि उसके बाद भी जो डिलीवरी है वो बेटर दिख रहा है। टेक्निकल ट्रेंड देखेंगे तो एक पॉजिटिव बायसनेस दिख रही है, लेकिन इसके चार्ट को अगर आप देखें तो अपने मेजर रेजिस्टेंस पे दिख रहा है और इसमें सप्लाई जो है 424 तक मेजर सप्लाई आते दिख सकता है। एक बार अगर ये 424 को ब्रेकआउट कर देती है फिर हम बड़े टारगेट 520-700 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए इस स्टॉक में अभी भी वीकनेस बनी हुई है। हमने जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए स्टॉक आपसे सजेस्ट करने को कहा वो स्टॉक है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड। मिड कैप आईटी इस समय वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन दिस सेगमेंट, और लेटेंट व्यू जो है मेगा ट्रेंड रिवर्सल पिछले 1 ईयर के बाद दिखा है, डिलीवरी बेटर है, टेक्निकल ट्रेंड देखेंगे तो आउटस्टैंडिंग है, और इसके चार्ट को देखें क्या खूबसूरत चार्ट है। लोअर लो, लोअर हाई को ब्रेकआउट किया, पहला यहाँ थोड़ा बहुत ट्रेंड हो सकता है, और इसके बाद का जो ब्रेकआउट है यानी इस स्टॉक में 4, 15 और 30 के बीच के अपॉर्चुनिटी को लेंगे, टारगेट 600-720 तक का नेक्स्ट 3 मंथ के ड्यूरेशन में दिख सकता है।